हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे JNU, EFLU एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में खासकर इंग्लिश का जो प्रोस्पेक्ट है उसके विषय पे। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की हम प्रॉब्लम देखते हैं वो निकल के आती है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया के पार्ट की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, और कहीं ना कहीं वही वीकनेस जो उनकी एग्जाम्स में उनका एकदम, बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं मैंने केवल इंग्लिश की वजह से बिल्कुल किनारे जाके फेल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन से पेपर में कौन सी यूनिवर्सिटी कितना वेटेज रखती है इंग्लिश का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि हमें इंग्लिश पे कितना कमांड बनाना है। तो हमारे सामने आप अगर देखेंगे तो मैंने खासकर दो यूनिवर्सिटीज को मेंशन किया, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के नाम पे मेंशन कर रखा। तो सबसे पहले हम JNU की बात करते हैं। JNU के जो पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टर है, किस तरह से एग्जाम होता है इसका, और खासकर पेपर कितने हिस्सों में बटा होता है, और उसमें इंग्लिश का क्या वेटेज रहता है। मैक्सिमम वेटेज की बात करूँ, आपको बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हो सकता है JNU पूरा का पूरा इंग्लिश देते हैं। कभी संभव नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि JNU के अंदर डिप्राइव्ड एरिया से स्टूडेंट आते हैं, उनका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता कि JNU पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको इंग्लिश में दे दे, इंग्लिश ग्रामर दे देगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा ये। तो सबसे पहले हम पेपर की बात करें तो मोस्टली पेपर को वो 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला होता है आपके सामने जीके। जीके में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फॉरेन जीके, अगर हम BA की बात करें, फॉरेन कंट्रीज का जीके, इसमें उनका करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, और दूसरा उनका होता है वो होता है इंडियन करंट अफेयर्स, और इंडिया का कभी कभी थोड़ा हिस्ट्री भी डाल देते हैं, वो बहुत ही माइनर सा पार्ट होता है, बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं करंट अफेयर्स को। दूसरा उनका होता है रीजनिंग का। रीजनिंग तो मैं कहूँगी बहुत आसान होता है, जो विद्यार्थी रीजनिंग भी नहीं कर पा रहे मुझे नहीं लगता है उससे कुछ और चीजें इसमें होने वाली हैं। हो सकता है किसी के बाद बुरी भी लगे, बट ए फैक्ट है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा आज का वीडियो बेस्ड है, वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ग्रामर और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा ये कहते हो, जो हमारी क्लासेज जो चल रही है ऑलरेडी BA के लिए, उनमें कहते हैं सर इंग्लिश ग्रामर करवा दीजिए, लेकिन उनसे अगर हम कहते हैं कि थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ के सुना दीजिए, वो भी पढ़ना नहीं आता। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश ग्रामर वीक है, उनको मेरी एक राय है कि कम से कम रीडिंग जो स्किल्स है उनके ऊपर पहले कमांड बना लीजिए। यू हैव मिनिमम 6 मंथ अप टू एग्जाम, एग्जाम तक 6 महीने हैं आपके पास, और घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर आप BA के लिए तैयारी कर रहे हैं, JNU में आना है या फिल्म जाना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, और आपको इंग्लिश वीक है तो बिल्कुल मत घबराइए। तो 2 पार्ट है आपके सामने, एक तो ग्रामर का है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रामर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले कमांड कहाँ बनाने है, कौन सा आपका मार्क्स अप करने में हेल्पफुल होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन अगर JNU का लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट रहा वो कॉम्प्रिहेंशन का रहा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ऐसा रिसेंटली मैं आपको आने वाले टाइम में अगर पैटर्न चेंज होता है तो हो सकता है देखने को ना मिले कि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ज्यादा हो सकता है ग्रामेटिकल पार्ट्स वो ज्यादा डाल दे। तो और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आखिर कितने परसेंट तक इंग्लिश रहने के चांसेस होते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% से ऊपर इंग्लिश नहीं आता है JNU में, अगर किसी खासकर EFLU का एक अलग पैटर्न है, लेकिन JNU में 40% से ऊपर नहीं आएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि JNU के अंदर इंग्लिश का 50% आएगा 60% आएगा, बिल्कुल गलत है। तो 30-40% आउट ऑफ 100% में 30-40% के बीच में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो EFLU को लेकर आता है। EFLU आपको पता है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। अगर JNU में जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका दूसरा चॉइस हैदराबाद होता है। EFLU खासकर जापानीज लैंग्वेज के लिए बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये, और यहाँ पे एक पढ़ने का एक अपना एक अलग एडवांटेज ये है कि आप जब BA करते हो तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है वो फ्री करवाया जाता है, और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। तो वहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया से जाते हैं, आपके इंग्लिश वीक है, नो प्रॉब्लम, एग्जाम निकालिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें वहां जाके ठीक हो जाती हैं। तो इसकी बात करें तो मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अराउंड 60% तक इंग्लिश ग्रामर रहता है। तो यहां अगर आप EFLU को क्रैक करने का सोच रहे हैं तो आपका फोकस कम से कम ग्रामर पे होना चाहिए, ग्रामर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी चीजें JNU के सिलेबस में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, करंट अफेयर वही रहता है, और GK जो हम बात करें रिलेटेड कंट्री, उल्टा यहाँ तो कंट्री भी कम है, 6 ही कंट्री है, तो उनका GK भी कम रहता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर ज्यादा है। और इंग्लिश ग्रामर ही बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे मार देता है, क्योंकि यहाँ वो ग्रामर नहीं कॉप अप नहीं कर पाते ग्रामर में। तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमें ग्रामर के ऊपर कमांड बना के रखना है, कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करना है, ग्रामर पे खत्म कर देना है, क्योंकि जब तक रीडिंग स्किल्स नहीं होंगी ग्रामर पे कमांड बनाना इम्पॉसिबल है। आप चाहे दुनिया के किसी भी 10 लाख रुपए देकर एक टीचर के पास चले जाए वो भी नहीं सिखा पाएगा। और एक भूत दिमाग से निकाल देना कि 10 सीखने से इंग्लिश आती है, बचपन से राम राम खाता है आज तक खा रहा है ना, आगे खा पाया ना खा पाएगा, पॉइंट है ये। आगे आते हैं अदर यूनिवर्सिटीज में, तो अदर यूनिवर्सिटी चाहे क्लैट का एग्जाम दे लीजिए, किसी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं,
हर जगह इंग्लिश ग्रामर को आपको फेस करना पड़ता है और आगे करना पड़ेगा। अगर आप इसमें कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो भूल जाइए कि आप लोग एंट्रेंसेस क्लियर करने वाले हैं जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आने वाली है। मेरा कहने का आज का जो पूरा पूरा वीडियो था वो केवल इस चीज को लेके बेस्ट था कि हमें सबसे पहले तो एक पोर्शन पता हो कि कितना पोर्शन इंग्लिश का रहता है, कितना जीके का रहता है, तो हमें इन दोनों चीजों पे काम करना है। एंड ऑलरेडी क्लासेस मैं पहले बता चुका हूँ एग्जाम पे चल ही रही हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश रीजनिंग एंड अदर चीजें भी करवाई जाती है। सो गाइस, दूसरा जो इसका पार्ट है वो आएगा जिसमें आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो चीजें बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास अपडेट्स आते रहें।